कराची बदमनी केस की समाप्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। कराची रजिस्ट्री में एडिशनल आईजी कराची शाहिद हयात पेश हुए। दौरान समाप्त पुलिस ने कराची में ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल आईजी ने बताया कि अब तक 10,000 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में 175 चालान पेश किए, मगर अदालतें मुकदमात नहीं सुन रही। पुराने मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जा रहा है। जस्टिस खिलजी आरिफ ने रिमार्क्स दिए कि टारगेटेड ऑपरेशन को 6 माह हो गए हैं और आप सिर्फ चालान पेश कर रहे हैं। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुल्फिकार शाह ने अदालत में जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक 60,000 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, जिसमें 52,000 एकड़ जमीन पर खुद सरकारी इदारों ने कब्जा किया हुआ है, जबकि 8,000 एकड़ पर गैर कानूनी गोट पोल्ट्री फार्म्स और बिल्डर्स माफिया का कब्जा है। जस्टिस अंदर जहीद जवानी ने रिमार्क्स दिए कि SSP एंटी करप्शन सेल कब्जा माफिया का सरबरा है। मुकदमे की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी करते हुए अदालत ने SSP इंक्रोचमेंट सेल को तलब किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर KPT, MDA, DHA और NLC की जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की है।